I will not talk that much elaborating things. I will talk about my experience. My talk will be in Hindi mixed with English. I think so everybody understands it. Okay? सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी से कब हुआ ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन 12th तक पटना में हुआ है, 10th और 12th पटना, 10th पाटलिपुत्र स्कूल से हुआ है, सर जी डी पाटलिपुत्र इंटर स्कूल से, और 12th मैंने किया है कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब इंटरमीडिएट। देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, अभी तो नीट हो गया हमारे समय में, इट्स द पीरियड ऑफ 2008, आई एम टेलिंग अबाउट 2008, उस टाइम पे AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, सो वी यूज्ड टू राइट सो मेनी 8, 9, 10 एग्जामिनेशन सीरीज में आई AIPMT, एम्स, जो जो एग्जामिनेशन आता था सब लिखते थे। तो फर्स्ट ईयर इन 2007 विथ माई इंटरमीडिएट आई रोट सम 7-8 एग्जामिनेशन, I failed in everything because I was not studying, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार फिर लगा कि भाई पटना रह के नहीं पढ़ रहे हैं, तो माई फादर इज फार्मर, तो देर वॉज कि अंदर से फीलिंग था कि पटना रह के नहीं पढ़ रहे हैं, पिताजी गांव से भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए, और हम नहीं पढ़ेंगे और गांव में सही खाली हाथ लौटेंगे तो फिर कोई फादर अपने बच्चे को पटना रहने के लिए नहीं भेजेगा, गांव से तो नहीं भेजे, इट वॉज क्लियर कट थिंग। देन सेकेंड ईयर आई स्टडीड, देन आई क्वालिफाइड इन टू एग्जामिनेशन AIPMT, आई गॉट द रैंक एंड आई वॉज गेटिंग डेंटल फॉर PDS, आई लेफ्ट दैट, देन आई इन सेकेंड एग्जामिनेशन आई क्वालिफाइड फॉर ICAR एग्जामिनेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सिंस माई फादर इज फार्मर एंड बिहार में तो फॉरेस्ट्री वगैरह का कोई कुछ नहीं जानता कि फॉरेस्ट्री BSc फॉरेस्ट्री कुछ होता, हम लोग के समय में तो और भी लोग नहीं जान रहे। मैं काउंसिलिंग के लिए पहली बार दिल्ली गया मई 2008 में, फर्स्ट टाइम पटना से बाहर स्टेप रखा था, तो 2008 में मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का सीट अवेलेबल था नॉर्थ ईस्ट में, आई गॉट रैंक ऑल इंडिया रैंक बिटवीन सम 1000 to 1200 समथिंग लाइक दैट, तो एग्रीकल्चर का सीट्स नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल, समबडी बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम रिलेज, गाँव में ऐसा बोलते थे कि अरे नॉर्थ ईस्ट में तो कुत्तों को मार के खिला देता है, मैं सारा वेजिटेरियन आदमी, मैंने कहा कि प्रभु मैं ना जाऊँगा, ठीक है चाहे जो हो जाए। उसके बाद आई गॉट इन दैट काउंसिलिंग इटसेल्फ, आई हियर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड BSc फॉरेस्ट्री कोर्स, फॉरेस्ट्री ऑल्सो, for that also counseling they are considering, then randomly I selected BSc forestry in Tamil Nadu Agricultural University and I got first seat, I opted and I got first seat, selection tak to theek tha, maine kar liya, I had severe homesick problem mere sath, 7 दिन सप्ताह में होता है, 3 दिन 4 दिन पटना में रहना है, 3 दिन घर रहना है, मेरा घर बख्तियारपुर में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, यहाँ से 24 आवर ट्रेन फैसिलिटी, तो 3 दिन सप्ताह में पटना, 3 दिन 4 दिन, 3 दिन घर पे, सीवियर होम सिकनेस, ठीक है, घर पे मैं रोता था 12th तक, ठीक है, यहाँ पटना आने के क्रम में बहुतों बार होता था कि बड़े भाई साहब भी साथ में रहते थे तो नहीं आज चलना है, हम बोलते थे आज नहीं जाएंगे, तो रोता था मैं, ठीक कि याद नहीं जाना है जितना होम सिकनेस। देन आई वेंट टू काउंसिलिंग से तो हो गया, 1 महीना का समय दिया कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, कोयम्बतूर में मेट्रोपॉलियन जगह है वहाँ, तो मैं कॉलेज काउंसिलिंग से तो आ गया जोश जोश में कि भाई चलो लेंगे एडमिशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पता चला कि वहाँ से ट्रेन जर्नी 48 आवर्स की है, देन हमारा दिमाग फिर से झटका कि भाई कहाँ पड़ गए फेरा में, ठीक है, फिर से खटका कि फेरा में तो पड़ गए, यहाँ तो 50 किलोमीटर में दिक्कत होता था और ये 48 घंटे की दूरी में तो रियली पेनफुल। देन माय फादर टोल्ड ओके गेट एडमिशन इन कॉलेज एंड इफ यू आर नॉट इफ यू डोंट लाइक द प्लेस देन यू कम बैक, ऐसा फादर ने इश्योर किया। दैट टाइम एडमिशन के समय में बी हैज गिवन सम 5000 रुपीज इन
गवर्नमेंट कॉलेज, दैट वाज गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पे गया तो सबसे पहले हिंदी मीडियम का लड़का, या तो तमिल बोलो नहीं तो इंग्लिश बोलो, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना, रैगिंग भी है, ठीक है, भाषा, रैगिंग, फूड, फूड तो वहीं का मिलेगा आपको, यू विल नॉट गेट फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया। दो टाइम रोटियां मिलती थी खाने के लिए, अभी भी वो याद है, थर्सडे नाइट और सैटरडे नाइट, गिन के तीन, वो भी चपाती, ठीक है। बहुत सारे बैचमेट्स से तो उनको कर्ड राइस और चपाती रहता था, तो कर्ड राइस हम अपना दे देते थे, वैसे कर्ड राइस पे कोई लिमिटेशन नहीं था, बट दे यूज टू शो सम कुछ दया दिखाते थे हम लोगों के प्रति। दो ही नॉर्थ इंडियन थे, एक मेरा बैचमेट मध्य प्रदेश का था और मैं बिहार का था, दो ही लोग, 25 टोटल कैपेसिटी था हम लोग के बैच। तो 23 में 22 तमिलनाडु के और एक केरला के, ठीक है। तो एनी हाउ आई सर्वाइव, ठीक है, खा के रह के हंस के गा के हॉस्टल में सर्वाइव किया। तो एक महीना तक चूंकि रैगिंग का एंटी रैगिंग सेल बनता था, प्रोफेसर यूज टू कम एंड विजिट आवर हॉस्टल, दे यूज टू आस्क वेदर यू हैव सम रैगिंग प्रॉब्लम, नो सर, सीरियसली मैं नहीं था। आफ्टर 1-2 मंथ प्रोफेसर का टाइम हील हुआ, ओके नो प्रॉब्लम, उसके बाद रैगिंग शुरू हुआ, ठीक है। रैगिंग में वी यूज टू गो इन लाइन टू आवर सीनियर्स रूम आफ्टर 8-9 o'clock, गो इन लाइन, एक पीला पता रहेगा तो बाकी 23 बॉयज, ठीक है, दो लड़कियां थी तो उनका तो लेडीज हॉस्टल था, हम लोग 23 बॉयज थे, तो वी यूज टू गो इन लाइन, ठीक है, और एक भी नहीं रहा या एक भी कोई गलती किया तो पूरे बैच को पनिशमेंट मिला, ठीक है। मेरे साथ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, पर 2-3 महीना में इंग्लिश पढ़ पढ़ के सीख गया था, ये अच्छा से कम्युनिकेट करता था, पढ़ता था। तो वहां पे रैगिंग में होता था कि सीनियर्स ने बोला, अच्छा ठीक है, कल तू टुमारो यू जस्ट टेल मी जो 100 स्पीसीज ऑफ प्लांट देयर बोटेनिकल नेम फैमिली, ठीक है, इन आवर कॉलेज सिचुएटेड इन आवर कॉलेज, 100 दिन में कैसे याद करे यार, 100 प्लांट का नाम कैसे एक दिन में याद करे आदमी, विद साइंटिफिक देयर आल्सो वी टू रिमेंबर। वहां पे नेम के साथ इनिशियल लगते हैं, लाइक माई आई विल टेल यू लाइव एग्जाम्पल ऑफ माई, एक सीनियर का नाम था बी अरुण महाराजा, ठीक है, बी अरुण इज नेम बाय इनिशियल इज फादर नेम बी अरुण वाजे, 25 बैचमेट, 25 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सीनियर, लाइक दैट 120 सीनियर्स और बैचमेट मिला के हो जाते, वो रैंडमली किसी का नाम पूछता था, ओके उनका क्या नाम है वो सीनियर, तो आई टोल्ड अरुण महाराजा सर, देन आई गॉट 1 slab, ठीक है, देन आई थॉट व्हाट आई हैव टोल्ड रॉन्ग, देन आई टोल्ड मिस्टर अरुण महाराजा सर, आई गॉट 2nd slab, then I told okay, I forgot the initial name, I told at the place of B, I told A Arun Maharaja, then 4-5 seniors came and they started beating, you change his father name, so the situation was like that, seniors now this part got over, then they used to take us for bird watching, Kanwar Sahab has very good insight of बर्ड वॉचिंग विथ यू ऑल, बर्ड वॉचिंग पे वो हम लोगों को ले जाते थे सैटरडे और संडे, वो भी लाइक मिडनाइट 12-1 o'clock तक तो सीनियर के रूम में रहना है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ के बर्ड वॉच के लिए जाना, बर्ड वॉच हम लोग का कॉलेज, आवर कॉलेज वॉज इन मिड ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ पे कहाँ से जंगल चलना, इस साइड से एलिफेंट आ जाएगा, इस साइड से गौर आ जाएगा, इट वॉज नॉट श्योर कि कहाँ से आ जाए, कॉलेज से ले जाते थे सीनियर सब, हम लोग 23-25 लोग जाते थे, लेडीज ऑल्सो आवर बैच में, इट वॉज कंपल्सरी इवेंट, देन बर्ड वॉचिंग, फर्स्ट टाइम आई हियर, आई एम फ्रॉम बिहार सो फर्स्ट टाइम आई हियर देर इज समथिंग कॉल्ड बर्ड वॉचिंग, इंटरेस्टिंग, उसमें बर्ड वॉचिंग में कर्नल साहब हम लोग का, मेरा स्पेशली इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि 1-2 लाइन सीनियर यूज टू टॉक इन इंग्लिश, उसके बाद वो तमिल बोलते थे, अभी ऐसा चीज है हम लोग भी जब बात करेंगे तो 2 लाइन इंग्लिश में बोलेंगे उसके बाद तमिल शुरू हो जाएंगे, तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग का इंटरेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉचिंग का मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ अपना राजधानी जिला से, जहाँ हम लोगों ने क्रिएट किया, और सिंस
कभी भी सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब या हमारे मिनिस्टर साहब आते हैं तो यहाँ यहाँ कंपल्सन हुआ कि एटलीस्ट जो यहाँ के बोर्ड्स हैं उनके बारे में हम उनको ब्रीफ कर पाए। वन टाइम सीएम साहब का हुआ एट 12 o'clock की 1 बजे हम आएंगे, किसी को नहीं बताना, कोई फोर्स कुछ नहीं, DMSSP किसी को कोई खबर नहीं था। ही सडनली केम, उसके बाद लोगों को पता चला तो पहुंचना शुरू की और बताने के लिए मैं ही, ऐसे तो आते हैं तो कर्नल साहब को बुला लिए, नवीन जी को बुला लिए, ऐसे करके 2-4 जो बर्ड स्पेशलिस्ट हैं बर्ड वाचिंग में उनको बुला लेते हैं, वैसा सिचुएशन ना। और आवर सीएम इज वेरी मच इंटरेस्टिंग इन दिस थिंग, वो तो एक एक बर्ड का नाम पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहा है, कहाँ तैयारी पूरी थी, पूरा मैंने बताया, ब्रीफ किया। तो कॉलेज में बर्ड वाचिंग से इंटरेस्ट वहाँ से गया, ठीक है। लेकिन जो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का फिर कोर्सेस आ गए, सीनियर का नर्सरी का कोर्स आया तो नर्सरी में उनका पॉलीबैग जाकर फिल करना है, रात में डे टाइम में नहीं करवाते थे कि प्रोफेसर देखें, प्रोफेसर इज टू सी कि दिन में तो कुछ नहीं हो रहा, नाइट टाइम वी यूज्ड टू गो एंड फिल देयर नर्सरी बैग, ठीक है, नर्सरी बैग को देखना, नर्सरी बेड को देखना। वहीं से बायोडाइवर्सिटी का मतलब इनकलकेट किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन आया, अपने सीनियर से पूछा, सीनियर इज टू बी वेरी नॉलेजेबल, टिल नाउ 120 IFS आर फ्रॉम माई कॉलेज, ठीक है, बिहार में 5-6 बिहार में। तो बायोडाइवर्सिटी सीनियर से जाकर पूछता था, बताओ भाई खाली रैगिंग करोगे कि बताओगे कि कुछ, तो देर इज टू टेल कि देर इज टू टीच अस, देर इज टू टेल अस, प्रोफेसर ऑल्सो देर वेरी ओपन। वहीं से बायोडाइवर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन मिला, वो कहाँ काम किया ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बताया कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका वो तो फर्स्ट ईयर में बता दिया, वो याद किया, एग्जाम हुआ भूल भी गया। उसके बाद स्टोरी आती है 2012 में कॉलेज खत्म किया, 12 में IFS एग्जामिनेशन लिखा तमिलनाडु से, आई वोट फ्रॉम तमिलनाडु एंड इन द सेम ईयर आई गॉट क्वालिफाइड, देन आई केम फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में इंटरव्यू का डेट था 27th of February 2013, UPSC में था इंटरव्यू। सबसे पहले तो डर लग रहा था, होगा नहीं होगा, बहुत सारा प्रेशर रहता जब आप इंटरव्यू के स्टेज पे होते हैं। देन माय चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड होते हैं चेयरमैन होते हैं, 5 लोग बैठे होते हैं, आई वॉज द यंगेस्ट, ठीक है, उस साल का आई वॉज द यंगेस्ट IFS फ्रॉम इंडिया, आई गॉट क्वालिफाइड इन 22 years, ठीक है। तो दिस इज नॉट फॉर क्लैपिंग, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई थी। देन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, लिख किया रह गई, मतलब तो कभी कभी काम देता है पिटाई भी। उन्होंने बोला वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने तो बोला रटा हुआ, उसका कुछ एग्जांपल दो। फिर तो है मतलब एक्सकर्शन इतना ज्यादा होता था कॉलेज से कि वी यूज्ड टू लर्न लॉट ऑफ जो एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होने हैं, दे यूज्ड टू टेक अस टू नीलगिरी रिजर्व में, मुधुमली टाइगर रिजर्व में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व में, दे यूज्ड टू टेक अस एंड वी यूज्ड टू लर्न देयर ऑन द साइट, एक सीटू इन सीटू पे प्रोबेबली हम लोग जाके करते थे। कर्नल साहब बता रहे थे एक सीटू और इन सीटू, उसका इन सीटू में जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, यू हैव रीड इन न्यूज पेपर, बिफोर 2 days वन टाइगर गोट ट्रैंकुलाइज फ्रॉम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यस्टरडे फील्ड डायरेक्टर ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ही इज माई कॉलेज सीनियर, ऑफकोर्स 10-12 year college senior to me and in service he is 5 years senior to me. Dr. Nesamani, he came to my residence yesterday evening. He was going to Tamil Nadu to his home. So he came with his family to visit my home. Then he was telling the story. बाद एक झोपड़ी में घुसा, झोपड़ी में मगर माँ पिताजी बाहर थे, तीन बच्चे अंदर सो रहे थे, एक ने देखा निकल के भागा चिल्लाया, 2 अंदर रह गए सोते हुए, टाइगर भी अंदर, एक रूम में, इन वन रूम।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द टीम ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैड डन ट्रेमेंडस वर्क टू ट्रैंक्विलाइज दैट टाइगर. यहाँ दो पॉसिबिलिटी थी कि आइदर वो लाइफ को जो दो बच्चे हैं उनको या तो डैमेज करेगा और दूसरा उस टाइगर को भी डैमेज हो सकता है, जो लोकल विलेजर्स हैं और लोकल पीपल हैं उनको डैमेज कर, दोनों को बचाना. इट्स वेरी टफ टास्क. टाइगर ऐसा देखने में अच्छा लगता है ना, जब सामने से आता है तो इट्स रियली स्केयर. नॉट इन जू एंड सफारी, वाइल्ड में देखना. कनक साहब मैं 2012 में आया यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो मेरा ट्रेनिंग हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. आई थिंक सो, होप सो यू हैव विजिटेड नौरंगिया जोन. तो वहाँ मैं 9 महीना रहा हूँ अपना प्रोविजन डे 2012 में. उस समय मैंने फोन का तो कोई सवाल ही नहीं था, वहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं आता होगा, बिजली भी नहीं था, 2 आवर जनरेटर इज टू. व्हेन आई वेंट फॉर ट्रेनिंग ओवर देयर, माय ट्रेनिंग ऑफिसर अमित सर, ही वाज जू डायरेक्टर, नाउ ही इज ऑन डेपुटेशन टू IGNFL, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी. तो ही टोल्ड मी, ब्रदर डोंट एक्सपेक्ट मोर इन जंगल, ठीक है, यू हैव दैट रेस्ट हाउस, यू हैव टू स्टे ओवर देयर, वहाँ ना बिजली मिलेगी, ना फोन का टावर मिलेगा, ना आपको टेलीविजन मिलेगा, ना न्यूज़पेपर मिलेगा, यू जस्ट एंजॉय द फॉरेस्ट. 9 months आई वाज देयर, ठीक है. तो देयर वाज वन पोचिंग इंसिडेंट अकर्ड एट दैट टाइम, 5 tiger गोट पोस्ट इन अ सीरीज. WCCB और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से लोगों ने अरेस्ट किया कल्प्रिट्स को. तो जब हमने भी लाइव मतलब उतना क्लोजली नहीं देखा, इन कोर्ट कन्फिस्केशन के दौरान कोर्ट में जाके अपने जो ब्रदर्स होते हैं उनको दिखाने पड़ते हैं जो प्रोडक्ट है हमको. तो जब टाइगर का जो छाल निकला तो इट वाज अराउंड 14 feet, इट वाज वेरी स्कैरी, नोज टू टेल, ठीक है. टाइगर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज. हाउ इट इज कीस्टोन स्पीसीज, एनीवन टेल, कीस्टोन होता क्या? कीस्टोन टर्म आया है, पहले घर बनता था ऐसे करके खिड़की घर ये सब, उसमें एक बीच का ईंटा होता था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ईंटा आपने निकाला, पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ जाए. सपोज एक टाइगर रिजर्व से सारे टाइगर को हम वाइप आउट कर देते हैं तो क्या होगा? इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा. टाइगर गए तो हर्बीवोर्स की संख्या बढ़ेगी, वो फार्मर्स के फील्ड में आएंगे, उनका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो, तो फूड साइकिल, फूड वेब आप लोग जानते हो. तो उस टाइगर को ट्रांकुलाइज किया वहाँ पे, उसको सेफली, बच्चे भी सेफली निकल गए, टाइगर भी निकल गए. फिर उसका 2 conditions थे रखने, टाइगर का हेल्थ पैरामीटर चेक करो, इफ इट इज गुड then release back in wild, that is in situ नहीं, जंगल में उसी स्थल पे छोड़ना. तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कहीं से पुलिस, उसका हेल्थ पैरामीटर डाउन है, then shift it to zoo or safari for its medication, ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए. उस टाइगर का फोटो देख रहे थे और वीडियो देख रहे थे, उसके आई में कैटरेक्ट था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, पूरा आँख खुजला पड़ा हुआ था. Then they have taken the permission from National Tiger Conservation Authority and Chief Wildlife Warden, and they have shifted the tiger to Wildlife Safari, Rajgir Zoo Safari, for proper treatment and care. So in situ or in situ conservation में basically हम लोग जानवर को या जो भी वाइल्डलाइफ है, फ्लोरा और फौना दोनों को, बायोलॉजिकल पार्क है तो ये बोटेनिकल गार्डन में हम लोग प्लांट्स को रखते हैं, जो जीन पूल बैंक भी आप लोग देखेंगे काफी जगह पे, तमिलनाडु में नाडुगानी जीन पूल बैंक है, वहाँ भी टू विजिट, और आरवी रोड आर्बोरेटम होता है जहाँ लॉट्स ऑफ प्लांट वैरायटी टू गेट प्लांट इन आवर पार्क. नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर पार्क्स ऑफ पटना, अराउंड 150 पार्क्स आर विद अस ऑफ पटना. दे आर ऑल्सो वी यूज टू प्रमोट नेटिव प्लांट का प्लांटेशन, वी यूज टू डू नेटिव प्लांट प्लांटेशन, नेटिव स्पीसीज का. क्यों? कर्नल साहब बता रहे थे इनवेसिव एलियन स्पीसीज,
उसका डेफिनेशन क्या होता है? जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है वहां से बाहर कोई भी स्पीसीज, अनवांटेड स्पीसीज होता है, कोई भी हो, वो नेटिव इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होता। तो हम लोग नेटिव प्लांट को प्लांट कर रहे हैं लाइक बरगद, पीपल, पाकड़, लॉट ऑफ फेबेसियस स्पीसीज, और इन सारे स्पीसीज को इसलिए प्लांट कर रहे हैं कि इट हार्वेस्ट लॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी का हैबिटेट। Like on one big banyan tree, you will get lot of microflora, fauna, lot of things, mosses, fungi, everything you will find on it or beneath it. उसका seed होता है, seed को देखेंगे, it will ripe and fall. It will have food item for lot of variety of animal species. So these things are very important. And we are doing that. Madam has shown the activity of this college. It's really tremendous. And lot of congratulations to all of you for doing such great thing and create awareness among our students. एक कहावत है बिहार, हम सुधरे तो जग सुधरा, है ना? कर्नल साहब बोल रहे हैं, we should start with us. Light चालू है तो light बंद करते हैं, necessary क्या है? टैप में वाटर गिर रहा है तो उसको बंद कर दे, नहीं ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और बंद कर। सो मेनी टाइम आई यूज टू मेक सरप्राइज इंस्पेक्शन इन पास, और हमारे विजिटर्स लोग थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल विजिटर्स जो होते हैं वो टैप ओपन करके जाते हैं तो हम लोग बंद करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कम फ्रॉम विदिन, हमारे अंदर से ही आना चाहिए इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लांट लगाएं तो उसको बचाएं, नॉट फॉर ओकेजन पर्पज, प्लांट लगना है तो बचना है, उसकी सर्वाइवल रहनी। तो ये सारी चीज़ों को ट्राई करना है, और बाकी अदर देन दिस बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है कि कितने स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर प्रेजेंट इन दिस बायोस्फीयर पूरे वर्ल्ड में, पृथ्वी पर, अर्थ पर? वन रोबोट में का है एक आंकड़ा जिसको थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के साथ मानते हैं, वो बताते हैं कि अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उसमें से 1.5 मिलियन स्पीसीज आर ओनली, उनको खोजा गया, उनको नेम किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया, रिमेनिंग समझिए 5.5 मिलियन और 6 मिलियन स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, और उसमें से सो मेनी स्पीशीज को डिस्कवर किए हुए बिना ही साफ होती जा रही। आप अपने आप देखिए, अभी चीता रीइंट्रोडक्शन का न्यूज बहुत ज्यादा आ रहा, कुछ 5-6 महीना पहले सितंबर में रहा एक चीता रीइंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी, एशियन तो साफ ही हो गए लोग क्या समझता। अभी अफ्रीकन को हम लोग रीइंट्रोड्यूस किए, ठीक है, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। वो सडनली एक स्पीसीज डिसअपीयर होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज डिसअपीयर होती है। आप लोग अभी आप जानते हैं राइस की कितनी वैरायटी है वर्ल्ड वाइड? 50,000 स्टैंड, 50,000 स्टैंड ऑफ राइस। आम की, आम का भी मौसम हजार से ज्यादा, बैंबू मोर देन 100। तो दिस थिंग्स आर देयर, आवर अर्थ इज फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक। इसका लॉसेस वेरियस फॉर्म में हो रहा है लाइक हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता है हमारे मेडिसिन का 25% फॉरेस्ट से आ रहा है, फॉरेस्ट मतलब प्लांट्स, दे आर सोर्स फ्रॉम प्लांट 25%। Like in one program or at any occasion, they used to ask, as forest officer, what you do? What we should do? Or what we should do? Corona ka samay, just before 2-3 years back, people were running around oxygen, like this. So many calls have come to us also. Please arrange oxygen cylinder.
So we need to provide through forest, we need to provide clean oxygen, clean water, and so many things. Intangible benefit to so many, usko count nahi kar sakte. Like our one Rajdhani Vatika is contributing too much. हमारे जो लॉन है वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत सारे चीजों को, प्लांट और बाकी चीजों को छोड़ दे. आउट ऑफ 100% जो स्पीसीज है उसमें से पता है एनिमल और प्लांट का क्या रेशियो है? अराउंड 100% में 70% एनिमल का प्रोपोर्शन है और 22% प्लांट का प्रोपोर्शन. और 70% में कितना है इसका बाकी चीजों का एनिमल वाले में? 100% 70% इंसेक्ट है, इंसेक्ट का सबसे बड़ा पार्ट. इस तरह की चीज है बायोडाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन हम लोगों का छोटा छोटा अवेयरनेस, अपने अपने सुधरे, अपने घर वाले को थोड़ा सा अवेयर करें, ठीक है, तो ये बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन लाएगा. डिपार्टमेंट भी अपने स्तर से बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है. लाइक आप लोग सुने होंगे बिहार सरकार का माननीय मंत्री का वन ऑफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम जल डैश जीवन डैश हरियाली. इफ यू विल टेल इन फ्रंट ऑफ हिम जल जीवन हरियाली, ही विल शाउट यू विल टेल जल डैश जीवन डैश हरियाली. बिटवीन जल एंड हरियाली जीवन प्रॉस्पर्स, ठीक है. So these things are where, like father was telling tying Rakhi on every Rakhi ka day par, har ek Rakhi ke day par Mukhmantri ji Rajdhani Vatika mein aate hain aur wahan pair pe Rakhi bandhte hain. Aur he used to plant saplings. Aur wo to abhi 12-13 saal se kar rahe hain, to so many saplings became plant. Theek hai, usko hum log wo har ek saal aate hain, to he used to ask. With one small just part I will end. तो एक प्रोग्राम हुआ, ये आप लोग पाटलिपुत्र के साइड में जाते होंगे, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हुई है और एक पार्क बना हुआ है. तो नया पार्क बना था और मैं जस्ट ही मेरा ट्रांसफर होके मैं आया था पूर्णिया से पटना पार्क. सीएम का सा डेली प्रोग्राम हुआ, उसको उद्घाटन और मूर्ति का उद्घाटन था, ठीक है. CM came inside, inaugurated the foundation rock जो होता है पत्थर का inauguration, उस पे inaugurate उन्होंने की. Suddenly he has seen one plant, ठीक है, flowering plant. अभी भी वो flower में, bloom में, वो species अभी ज़्यादा bloom में. कौन कौन सा दिखता? कैसे फिस्टुला है, डेलोनिक्स रीजिया, ठीक है. तो मुख्यमंत्री जी आज वो कौन सा पौध पेड़ है? Then our officer, senior officer, he asked me, कौन सा species है? Then I told, Deuteronyx regia, जो मुंह में आया वो बोला, ठीक है, तो ये क्या होता है? तो फिर जल्दी से याद किया, अरे गुलमोहर होता है. तो फिर बताया गुलमोहर, ठीक है. तो sometimes ragging help a lot, ठीक है, it will give aware the thing. कैसिया की सो मेनी वैरायटी हमारे पार्क में, बहुत सारी कैसिया फिस्टुला, कैसिया हाइब्रिडा, कैसिया जवानिका, कैसिया सायमिया, सो मेनी थिंग्स. सो दिस थिंग्स हेल्प्स अ लॉट. सो आप लोग को एजुकेशन के साथ साथ इन सारी चीजों को भी साथ में लेके चलना, छोटा छोटा, जैसे बताया ना कागज आने से तरीका यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे. अभी तो 3R का आ रहा है, आप लोग जानते होंगे क्या? हाँ, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. तो इन सारी चीज़ों को फोकस में रखना और सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना है. ये सारी चीज़ें तो समय समय पर ऐड और बाकी चीज़ों के माध्यम से आती रहती है और आप लोग अवेयर भी हैं. कल परसों हम घूम रहे थे और 4-5 दिन पहले भी रात में और कल परसों नगर आयुक्त के साथ घूम रहे थे हम लोग पटना में. तो मोस्ट ऑफ द सीवर पता है किसके कारण चोक होता है? कर्नल साहब बता रहे थे, पॉलिथिन के कारण. उसके कारण जब रेनी सीजन में पानी जगह जगह पे जमेगा तो हम लोग ह्यू एंड क्राई मचाएंगे ऑथोरिटी के प्रति, ठीक. तो लोग साफ करते हैं, फिर 15 दिन में फिर चोक हो जाएगा. तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को स्वयं भी हटाएं. ऐसा नहीं है कि
ऐसा हम लोगों को इस आशा में नहीं रहना है कि आके हमको जुर्माना ही लगेगा तभी हम करना छोड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इतना मैन पावर नहीं है कि मैन टू मैन जाके उन सारी चीजों को करेगा, लेकिन एक होती है तो कुछ अवेयरनेस हम अपने प्रति भी रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसे गर्मी का मौसम आ गया, कर्नल साहब बता रहे थे चिड़िया के लिए दाना और पानी, दाना तो खोज लेता है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने सारे पार्क में बताया लोगों को कि आप कम से कम एक पॉट में, मैन पावर है जस्ट, एक विलिंगनेस चाहिए था और एक इनिशिएटिव चाहिए। मैंने कहा सारे पार्क में वाटर का पॉट होगा मिट्टी का, और उसमें 3 टाइम वाटर आप फिल करेंगे और उसको चेंज करेंगे, ठीक। नाउ एवरी पार्क वी आर डूइंग, तो स्मॉल स्मॉल थिंग, स्मॉल चेंजेस कैन मेक ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस। सो ऑन द डे ऑफ दिस बायोडायवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, थीम भी इस साल का बायोडायवर्सिटी डे का क्या है, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, ठीक। तो बायोडायवर्सिटी को बिल्ड बैक करने के लिए ये सारा सारा छोटा छोटा चीज कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को और इन्वायरमेंट को और एवरीथिंग जो भी ये वेव है इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, उसको कहीं ना कहीं सुधारेगा। तो इन सारी चीजों के साथ आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद।